मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सीखा है आपसे सीखा है। बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस बीच कमल आर खान ने इस फिल्म को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि ये फिल्म फ्लॉप साबित होगी। उन्होंने तो इतना तक चैलेंज कर दिया कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है तो फिल्मों का रिव्यू करना वो बंद कर देंगे। हाल ही में केआरके ने ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने लिखा था, एक्टर ऋतिक रोशन ने एक बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है और हैशटैग विक्रम वेदा करने के लिए राजी हो गए हैं, जो एक सर्टन डिजास्टर होगी। तो रिजल्ट के लिए कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकता है? फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपने रिव्यू में ये सभी डिटेल्स दूंगा, लेकिन ऋतिक रोशन के लिए मेरी ये चुनौती है। बता दें कि फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। केआरके ने एक और ट्वीट कर ऋतिक रोशन को ये चुनौती दिया और उन्होंने लिखा, अगर हैशटैग विक्रम वेधा डिजास्टर साबित नहीं हुई तो मैं रिव्यू करना छोड़ दूंगा, और अगर ये डिजास्टर साबित हुई तो ऋतिक को कैमरे के सामने कहना पड़ेगा कि उन्हें अच्छी और बुरी स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है। ऋतिक रोशन इस फिल्म का डायरेक्शन खुद कर रहे हैं। बता दें कि ऋतिक सैफ की यह फिल्म साउथ फिल्म विक्रम बेताल का हिंदी रीमेक है। साउथ की फिल्म में विजय सेतुपति और आर माधव ने मेन लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म में जहां ऋतिक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सैफ पुलिस के रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में राधिका आप्टे भी नजर आएंगी। हाल ही में ये खबर आई थी कि ऋतिक रोशन सेट पर अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म का बजट बिगड़ गया है या फिर कह सकते हैं कि बढ़ गया है। हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और हमारे स्टार्स ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं देते हैं। दरअसल ऐसा कहा गया था कि ऋतिक यूपी के जगह दुबई में फिल्म का सेट लगाने जा रहे थे, जिसकी वजह से फिल्म का बजट बिगड़ गया है। फिल्म मेकर्स ने बयान जारी किया था और कहा कि हमें फिल्म को लेकर काफी कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही है। फिल्म की शूटिंग यूपी के अलावा अन्य सिटीज में की गई है। वहीं इसका कुछ पार्ट कोरोना काल में दुबई में शूट किया गया था, क्योंकि इतने बड़े क्रू के लिए बायो बबल का और सेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही है सभी झूठी है। सो गाइज, आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। तो इसी के साथ मैं सुमिका लेती हूँ आपसे इजाजत। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।